नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दूं कि दानापुर के लोदीपुर चांदमारी सहित दानापुर के छावनी के जो रास्ते हैं उसको मिलिट्री द्वारा बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये बंद तब हुआ था जब कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ रहा था। अप्रैल के टाइम ये रास्ते को बंद किया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुकी है और उसके बाद सभी जगह के जितने भी रास्ते थे सभी को खोल दिए गए हैं, लेकिन उस जगह पे नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और जिसको लेकर आज AISF के छात्र और वहां के ग्रामीण काफी उग्र रूप में काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने 48 घंटे का भूख हड़ताल तो किया ही था। कल से ही उनका भूख हड़ताल शुरू हो गया है, लेकिन आज उन्होंने सगुना मोड़ पे आए और फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां पे पुतला दहन किया और देश के PM के बारे में और देश की विकास क्यों नहीं हो रही है, जो किस तरह से गरीबों का शोषण कर रही है, इसको लेकर काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। और यहां की जो विधायिका है आशा सिन्हा, उनके खिलाफ भी ग्रामीणों में और AISF के स्टूडेंट्स में काफ़ी रोष था। तो क्या कुछ है पूरा मामला, देखें इस वीडियो में। आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि रोड चालू करिए, रोड खोलाई है। सरकार का हल बोल रहा है कि अपना हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम कैसे वोट देंगे लोग का? वोट नहीं रहेगा, कैसे मांग नहीं पूरा होगा तो नहीं रोड वोट देंगे हम। जाते जाते हम घूमने जाते जाते पाँच को घूम रहे हैं, दिक्कत होता है हॉस्पिटल जाने के लिए, दिक्कत होता है दवा बिना खाना बिना दवाई बिना। हम भी एक महीना से कमा रहे हैं, उधर उधर रास्ता जाते हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता होना चाहिए, हमारा रास्ता जन्म जन्म को हम लोग का चाहिए, हम लोग का रास्ता बन पड़ा है, प्रवेश किया गया है। 48 घंटे का हम लोग भूख हड़ताल चंदमारी धरना स्थल पर किए हुए हैं, जो आज
अप्रैल 2020 में दानापुर छावनी के सेना द्वारा हम लोगों को रास्ता को बंद कर दिया गया, जिससे चंदमारी के लगभग 25,000 जनसंख्या जाने पर रोक लगा दिया गया और हम लोग घर से निकलना मुश्किल हो गया। गांव के बेटी बहू लड़की लड़के लड़कियां शिक्षा के ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उस रास्ते के चलते हम लोग को निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि हमारी रोड जो है सेना द्वारा जबरन बंद किया गया है, क्योंकि यह रोड अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। थाना नंबर 25 और थाना नंबर 29 को जोड़ के देखा जाए तो यह रोड ग्रामीणों का है, सेना का नहीं है। सेना जबरदस्ती हम लोगों को रोड को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हम लोगों ने 3 महीना तक सत्याग्रह अनशन किया। आज तक सरकार के कोई नामुमिंदे हम लोग के आवाज को अधिकार को पूछने तक नहीं आए हैं कि आपका अधिकार है, रास्ता को लेना अधिकार है। लेकिन जब हम लोग मजबूर हो गए कि AISF के संगठन के माध्यम से हम लोगों ने भूख हड़ताल का प्रोग्राम बनाया और कल से 48 घंटे का भूख हड़ताल चल रहा है। सबसे पहले यह कहना है कि चलमारी गांव की जनता लगभग 25 से 30 हजार जनसंख्या गांव में चुपके मारे हुए हैं। नीट के एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल के एग्जामिनेशन होता है, परीक्षार्थी लोग गली के रास्ते से पहुँच करके अपने परीक्षा को लोग दे रहे हैं और सेना द्वारा रास्ता को नहीं खोला जा रहा है। हमारी सरकार ताना साफ सरकार है, सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोगों का मदद नहीं मिलता है। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह पुर सरपंच चंदमारी। क्या नाम है? तो सबसे पहले बात यह है, मालिक होता जनता टैक्स और वोट दोनों देता, लेकिन चंदमारी लोधीपुर के जो ग्रामीण है 22 गांव के, उनके साथ दोहरी नियत जो है सरकार अपना रही है, दो तरह की बातें कर रही है। एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के साफ निश्चय में कि सभी टोला मोहल्लों को संपर्कता प्रदान करनी है। आज के अखबार में भी प्रमुखता से यह आया, शायद इलेक्शन है इसलिए सरकार अपने साफ निश्चय को बुझाना चाह रही है। लेकिन एक तरफ उल्टे आप देखेंगे लोधीपुर चंदवाड़ी इलाके में जहां 22 गांव है, वहां रास्ता को 4 महीने से रोक दिया गया है। यह सरकार की कैसी नीति है कि एक तरफ आप बड़े बड़े मोहल्ला को संपर्कता प्रदान करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सड़क को आप बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो यह जो सरकार की चीज है जो साफ निश्चय, यह पूरे तरह से यह जो लोधीपुर चंदवाड़ी मार्ग है वह उसको एक्सपोज करता है, उसको खारिज करता है सीधे तरीके से। और यह स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पे यह जो NDA की सरकार है इस सरकार को जाना पड़ेगा। नाम बताइए। रंजीत पंडित, राज्य अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। सरकार क्यों छुपी? अगर डिफेंस का जमीन है तो हमारे अंग्रेजों के समय से 10,000 आज किस हत्या से, या कोर्ट के आदेश है, या डिफेंस का आदेश है, या बिहार सरकार के आदेश है, विरोध कर दिया है। हम सरकार से इतना ही कहेंगे कि आप अपना सरकार के खाइए, हमारा रोड चालू करिए, नहीं तो समझिए कोई भी उपाय नहीं है। किस हस्ती से बंद है, क्यों बंद है? इसलिए बंद है मजदूरों और गरीबों का बस्ती है, जो हर दिन कमाने जाते हैं उनको डिस्टर्ब करना, अपना समझ 5 घंटा में कमाते हैं और 5 रात में 10 बजे रात में आए। सरकार दूसरा नीति चल रहा है, बंदी तक नहीं है, दूसरा काम को लोग बैठे हैं, उनको किसी भी तरह से नहीं पूछा गया कि क्यों बैठे सरकार, ऐसा क्यों हम लोग के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है? के द्वारा 22 गांवों के लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जब वैश्विक महामारी कोरोना फैल गई थी, लोग खाने को तरस रहे थे, वैसे हालात में 22 गांवों के लोगों को घर से निकलना बंद कर दिया गया और ये सरकार और यहाँ की प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। हम उसको आह्वान करते हैं, अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम लोग अभी 24 घंटा 48 घंटा का भूख हड़ताल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से हम परेशान हैं, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी परेशान होंगे। इनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं होगी और ये भी अपने घर में चैन से नहीं होगी। साफ का ऐलान करते हैं कि आज पूरे बिहार के अंदर छात्र युवा 22 गांव दिलाएंगे और कहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करो, अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें गद्दी पर बने रहने का कोई हक नहीं। चार महीने से
छात्र संगठनों ने कल से 48 घंटे का भूख हड़ताल किया है। जब हमारे हड़ताल में यहाँ के डीएम और एसडीओ संवेदनहीनता का परिचय दिया है। इसके आक्रोश में बिहार के छात्र युवाओं ने सड़कों पर उतर कर देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन करने का काम किया। इसी कड़ी में तारापुर के अंदर चंदमारी मोदी के लोग राजनाथ सिंह का अर्थी जुलूस निकाल कर अपने गाँव से पैदल चलकर इतनी चिलाती धूप में भी अपने एकजुटता और साहस का परिचय दिया है। इसके लिए हम सलाम करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जब जब देश में जुल्म और अत्याचार बढ़ा है, देश के साथ बिहार के छात्र युवाओं ने आगे बढ़कर अपनी भागीदारी दी है, देश को नया दिशा और दशा दी है। किस तरह से 22 गाँव का रास्ता बंद किया गया है, पूरे बिहार के छात्र युवा सड़क पे है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, आने वाले दिनों में अगर हम बचे हैं